आखिर कैसे इस लड़की ने दूध बेचकर कमाए 7 करोड़ रुपए और पंकज त्रिपाठी जैसे जाने माने एक्टर के साथ एक ऐसा धोखा हुआ जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उठ जाएंगे। और यूपी की इस 16 साल की लड़की ने मात्र 1800 रुपए का AC बना दिया। अगर जानना है कैसे, बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। नंबर 1, पंकज त्रिपाठी जैसे जाने माने एक्टर के साथ इस धोखे के बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। सन 2004 में ऋतिक रोशन की एक मूवी आई थी जिसका नाम था लक्ष्य, और उस मूवी में पंकज त्रिपाठी भी थे। अब आप में से जिन जिन लोगों ने ये मूवी देखी है वो बोलेंगे कि अगर लक्ष्य मूवी में पंकज त्रिपाठी थे तो फिर हमें दिखे क्यों नहीं। दरअसल ये बात है सन 2004 की, जब पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे और इस मूवी के लिए उन्होंने बाकायदा ऑडिशन भी दिया था और सिलेक्ट भी हुए थे। उसके बाद ऋतिक रोशन के साथ उन्होंने कुछ सीन्स को शूट भी किया। इसके बाद क्या था, पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि गांव का एक छोटा सा लड़का ऋतिक रोशन के साथ मूवी में आने वाला है, और यहाँ तक कि ये बात गाँव के लोकल न्यूज़पेपर में भी छप गई। लेकिन उसके बाद जब पंकज त्रिपाठी जी अपनी फैमिली के साथ थिएटर में मूवी देखने के लिए गए तो वो ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए कि उनका एक भी सीन मूवी में था ही नहीं। उनके सारे के सारे सीन्स काट दिए गए। उस दिन मानो उन पर बिजली से गिर गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज पंकज त्रिपाठी जी इंडिया के बाकी छोटे एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशंस बन चुके हैं। और पंकज त्रिपाठी आपके फेवरेट एक्टर हैं दोस्तों, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नंबर 2, मिलिए कनिका यादव से जिन्होंने मात्र 28 साल की उम्र में व्हाइट फार्म्स जैसी इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। व्हाइट फार्म्स एक एग्रीकल्चर बेस्ड इंडियन स्टार्टअप है जिसका मकसद है भारत के हर घर में प्योर दूध और घी पहुंचाना। ये बात 2017 की, जब कनिका यादव अपने घर को छोड़कर पढ़ाई के लिए बाहर रह रही थी। कनिका यादव उस समय पैकेट का दूध इस्तेमाल करती थी जो कि काफी अनहाइजेनिक था और हेल्थ के लिए भी सही नहीं था, और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मिले होते थे। उस समय कनिका यादव ने ठान लिया कि वो भारत के हर घर में प्योर दूध और घी पहुंचा कर रहेगी, और इसीलिए उन्होंने व्हाइट फार्म्स नाम का एक छोटा सा फार्म खोला जो कि आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। और आज की डेट में व्हाइट फार्म्स का एक साल का टर्नओवर 7 करोड़ का है। नंबर 3, कश्मीर में इंडियन आर्मी का एक सोल्जर रोजाना ATM से 100 रुपए निकालता था। गार्ड इस सोल्जर को कुछ हफ्तों तक देखता रहा और एक दिन उसने सोल्जर से कहा, जब आप एक बार में 100 से ज्यादा रुपए निकाल सकते हो तो फिर उसका इस्तेमाल पूरे हफ्ते कर सकते हो, तो आप रोज सिर्फ 100 रुपए ही क्यों निकालते हो। सोल्जर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा बैंक अकाउंट मेरी पत्नी के नंबर से लिंक है और मैं जब भी ATM से 100 रुपए निकालता हूँ तो मेरी पत्नी के पास मैसेज चला जाता है जिससे कि मेरी पत्नी को पता चल जाता है कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों सैल्यूट है हमारे भारत के इन जवानों को जो अपना घर परिवार छोड़कर देश की रक्षा करते हैं ताकि हम अपने घर परिवार के साथ आराम से सो सके। नंबर 4, साइकोलॉजिकल फैक्ट बहुत ही गजब के होते हैं, और एक गजब का साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि हम जितना ज्यादा खुश रहते हैं और जितना ज्यादा हंसते हैं हमारे शरीर को रात में उतनी ही कम नींद की जरूरत पड़ती है, और हम जितने ज्यादा दुखी रहते हैं हमारे शरीर को उतनी ही ज्यादा नींद की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको सुबह जल्दी उठना है या आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आपको बस कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा खुश रहें ताकि आपके शरीर को कम से कम नींद की जरूरत पड़े। नंबर 5, अब इस फोटो को देखो, आप ये जानकर चौंक मत जाना कि ये एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है ना कि कलरफुल फोटो। एक आर्टिस्ट ने इस फोटो के ऊपर बस कलरफुल लाइंस बना दी और हमारे दिमाग इतना पावरफुल है कि इसने पूरी फोटो को खुद ही रंगीन बना दिया। इस इल्यूजन के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, 18th century में लंदन में जो जू होते थे यानी कि चिड़ियाघर, उनके बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हो और आप उस चिड़ियाघर में एंट्री लेना चाहते हो तो आप बिना पैसे के भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको अपने साथ एक कुत्ता या एक बिल्ली लानी पड़ेगी जिसे कि बाद में जू वाले शेर या बाघ को खिला देंगे। असल में उस समय बहुत सारे लोग ऐसा करते भी थे, वो अपने आसपास के किसी भी बिल्ली या कुत्ते को उठा के जू वालों को दे दिया करते थे ताकि उन्हें जू में फ्री एंट्री मिल जाए। नंबर 7, कई बार आपको ऐसी फीलिंग आती होगी कि आपको कोई घूर रहा है या आपको कोई देख रहा है, तो असल में ये हमें फीलिंग तभी आती है जब कोई हमें सच में घूर रहा हो। हमारा दिमाग इतना ज्यादा ताकतवर है कि बिना हमारे पीछे दाएं बाएं देखे हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि हमें कोई घूर या देख रहा है। नंबर 8, अगर आप में दुनिया के सबसे फेवरेट और कमाने वाली मूवी एवेंजर एंड गेम देखी है तो शायद आपने आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क को अपनी बेटी से आई लव यू
3000 टाइम्स बोलते हुए जरूर सुना होगा। तो असल में टोनी स्टार्क ने ऐसा इसलिए बोला था कि क्योंकि अभी तक पूरे मार्वेल फ्रेंचाइजीज की स्क्रीन टाइम 3000 मिनट की हो गई थी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको मार्वेल की सभी मूवी एक एक करके देखनी है तो आपको कुल 3000 मिनट यानी कि 50 घंटे लग जाएंगे सभी मूवीज देखने में, और अब तो उससे भी ज्यादा। नंबर 9, आज के जमाने में 2000 रुपए से कम कीमत पर एसी मिलना नामुमकिन के बराबर है, लेकिन मिलिए यूपी की झांसी में रहने वाली 16 साल की कल्याणी श्रीवास्तव से। इन्होंने मात्र 1800 रुपए में एक ऐसा एसी बना दिया जो कम बिजली में ज्यादा काम करता है। इसके बनाए गए एसी की खास बात ये भी है कि ये एसी बाकी किसी भी नॉर्मल एसी के मुकाबले बहुत ही कम पोल्यूशन करते हैं। इसे एसी का सिर्फ 1 घंटा इस्तेमाल करने पर आप अपने घर के टेम्परेचर को 4 से 5 डिग्री तक कम कर सकते हैं। इस छोटी सी बच्चे के इतने बड़े काम पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।